नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आप लोगों का स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है क्या, इसका परिचय मैंने आप लोगों को दिया और ये भी बताया कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो उसके बाद, परिचय होने के बाद, हम इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन क्लॉज आता है सेक्शन 2 का, उसमें तमाम जो टर्म्स इसमें आने हैं इस एक्ट में उनको डिफाइन किया है। उसको आप बेयर एक्ट से स्वयं ही देखेंगे, जैसे उसमें बिल्डिंग बिल्डिंग ऑपरेशन, डेवलपमेंट, ये सब किस तरह से डिफाइन किया है वो आप देखिए, उसको आप पढ़ने से आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो डेवलपमेंट एरिया की घोषणा करे। तो राज्य सरकार किस इलाके को एक्वायर करेगी और उसको अकॉर्डिंग टू लॉ डेवलप करेगी, ये प्रावधान या ये शक्ति जो है धारा 3 राज्य सरकार को देती है। और इन शक्तियों के उपयोग के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज का गठन हुआ है, जो ये कार्य एज ए एजेंसी, राज्य सरकार की एजेंसी होने के नाते करती हैं। तो हम देखेंगे कि सेक्शन 4 में डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन का प्रावधान है। आपने जब इस एक्ट के ऑब्जेक्ट को पढ़ा था तब आपने जाना था कि उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों को सुनियोजित ढंग से उनके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज में बड़े बड़े शहरों में बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, इन शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज का गठन इस एक्ट के द्वारा किया गया। तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं क्या, ये धारा 4 में बताया गया है कि इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज का गठन राज्य सरकार करेंगी। इनमें एक चेयरमैन होगा, उसके अलावा सेक्रेटरी होगा, वाइस चेयरमैन होगा। अब इसके गठन में कौन कौन से अन्य सदस्य आते हैं, इसको हम इस धारा से ही समझ लेंगे कि इसके गठन में क्या क्या आते हैं। तो इनका बेयर प्रोविजन जो है सेक्शन 4 का हम देखें तो इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, या जो इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है वो है। उसके अलावा इसमें चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जल निगम है, मुख्य नगर अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और जो है जो सभासद हैं उस एरिया के, ये सब आते हैं। तो ये सब मिला के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एक बॉडी कॉरपोरेट है, जिसको आप निगमित निकाय भी कहते हैं। तो बॉडी कॉरपोरेट होने का मतलब ये है कि इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी, उसके बाद इसको प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का और डिस्पोज करने का अधिकार होगा। तो बॉडी कॉरपोरेट का मतलब जो है, जो आपने जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, तो बॉडी कॉरपोरेट होने का यही मतलब होगा। उसके अलावा बॉडी कॉरपोरेट अपने नाम पे कोई वाद ला सकती है, या उसके नाम को पक्षकार बना के उसके अगेंस्ट भी वाद लाया जा सकता है। जैसे सामान्यतः आप देखते हैं कि ए वर्सेस लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बॉडी कॉरपोरेट है, एक लीगल एंटिटी है। तो ये हुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन। डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप गठन में देखेंगे कि एक शहर के, सिटी के डेवलपमेंट में जिन भी लोगों की आवश्यकता हो सकती है उन सबको इसमें स्थान दिया गया है कि डेवलपमेंट का जो प्लान बने उसमें सबकी सहभागिता हो सके। इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा सेक्शन 4 में डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रावधान है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सेक्शन 6 में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक एडवाइजरी काउंसिल, जो सेक्शन 6 ऑफ द अर्बन प्लानिंग एक्ट दिया है, उसका गठन कर सकती है। और इस एडवाइजरी काउंसिल, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य कार्य डेवलपमेंट अथॉरिटी को डेवलपमेंट के मामले में, मास्टर प्लान बनाए के मामले में, जोनल प्लान बनाने के मामले में, ऐसे सारे मामले में अपना एडवाइस कर सकती है। तो इस डेवलपमेंट अथॉरिटी में कौन कौन से लोग होंगे ये हम देख लेते हैं।
इसमें भी चेयरमैन होगा, चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी जो है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन है वही इसका एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होगा। उसके अलावा चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं, चीफ इंजीनियर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, और ऐसे 3 और मेंबर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है। तो एडवाइजरी काउंसिल में भी विभिन्न विधाओं के लोगों को रखा गया है कि इस डेवलपमेंट के बारे में वो अपनी एडवाइस समय समय पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज को देते रहें। तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी और एडवाइजरी काउंसिल इस पार्ट में एक महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानना चाहिए। उसके बाद एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के बारे में ही सेक्शन 6 में प्रावधान किया गया है कि इसकी मीटिंग चेयरमैन बुला सकता है और इसकी मीटिंग साल भर में यानी वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। तो ये हुआ आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी और एडवाइजरी काउंसिल। इस बीच में तमाम मैसेजेज आप लोगों के आ रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में या जो एग्जामिनेशन में प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कशन के लिए कहा गया है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी पे पहले भी PCSJ में शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन में आया है, तो शॉर्ट नोट्स के रूप में आप डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ में एडवाइजरी काउंसिल को भी रखिए। और आप जो भी स्टडी करते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्टिव होती है। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट पढ़ते हैं तो आप डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी बारे में जान जाते हैं, उसी तरह सेक्शन 4 और 6 पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप जो भी पढ़ते हैं उसको एक समाहित रूप से जब आप उसको आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं। आपके बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके क्वेरी है या हमसे रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप प्रीवियस पेपर्स को भी डील करिए। तो हम समय समय पे कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक प्रीवियस पेपर जो भी मेरे पास लिटरेचर अवेलेबल है उससे मैं आप लोगों को बताता रहूं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है। लेकिन इस चीज़ को मैं एज ए एडवाइस आपको कहूंगा कि रीसेंट समय में जैसा मैंने भी देखा है कि एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न्स में बहुत बदलाव आया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बहुत बड़ा सेगमेंट अब कोई रहा नहीं है, इसलिए आपको स्टडी अपनी बहुत गहराई से करनी होगी, बहुत एग्जास्टिव करनी होगी और अपनी स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी होगी। जैसे कि अगर आप प्रीवियस पेपर ही सर्च करते हैं या पहले कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं आप उनको बुक से सर्च करते हैं, अपनी आप स्ट्रेटजी आप खुद जब बनाते हो तो आपकी बनाई हुई ये स्ट्रेटजी आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में भी जाएगी और आपको हेल्प करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट आप खुद करिए, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, अपने तरीके खुद निकालिए, क्योंकि ये एक कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में आपको अन्य लोगों से आगे आके इस प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरी शुभकामनाएं, मिलते रहेंगे, धन्यवाद। और हाँ, अगर जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब भी करते रहिए। और अगले वीडियो में मैं जो लैंड लॉ से रिलेटेड एस्पेक्ट डील करूँगा वो भूमिधरों के अधिकार के बारे में है। तो भूमिधरों के अधिकार के बारे में जो लैंड लॉ का या यूपी रेवेन्यू कोड का सेगमेंट होगा वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। मेरा साथ में ये भी अनुरोध है कि आप अपना बेयर एक्ट मेरे लेक्चर के साथ जरूर आप उसको कंपेयर करके अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। एक टीचर का काम, एक गाइड का काम आपको सिर्फ रास्ता दिखाना होता है, बाकी आपकी प्रिपरेशन है और सफलता भी आपकी होगी। धन्यवाद।